हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताया है कॉम्बिनेट प्रो के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता कि कॉम्बिनेट क्या होता है और स्कीमेटिक टूल कैसे रीड करते हैं और सर्किट डायग्राम को कैसे रीड करें, तो इस वीडियो में मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो भी लोग कॉम्बिनेट यूज़ कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेट प्रो आ चुका है और उसमें मैंने आपको बताया है कि बिट मैप क्या होता है। बिट मैप के बारे में मैंने आपको टेक्निकली स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको रिव्यू किया हुआ है और उसके बकायदा लेआउट के साथ में मैंने कुछ मोबाइल के यहाँ पर आईफोन या फिर एंड्रॉइड हो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा और ये भी बताया इसका प्राइस क्या है और कहाँ से आप इसको परचेस कीजिए और कितना बेस्ट आपको ये मिल सकता है। सो इस वीडियो पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे सो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल और आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों ये है एक कॉम्बिनेट प्रो का इंडिया का सबसे पहला वीडियो। जी हाँ, मैंने कॉम्बिनेट भी पहली बार मैंने ही इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया था और इस लॉन्च का जो सबसे बड़ा एक हाथ जाता है या फिर मैं बताऊँ जो मुझे मिला ये कॉम्बिनेट प्रो और जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो बदल दे पा रहा हूँ, वो है जेडएक्स मलिक, क्योंकि उन्होंने ही ये मुझे प्रोवाइड कराया है। अगर आपको परचेस करना है ये कॉम्बिनेट प्रो तो आप जेडएक्स मलिक को आप कॉल कर सकते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जेड एस मलिक यहाँ पे टीम है, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप उसको कॉलिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इस वेबसाइट पर भी जाकर ये चीज़ परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको कॉम्बिनेट प्रो के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे आप देखते होंगे फेसबुक पोस्ट या आपने कहीं पे भी किसी व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है एक सही चैनल पर जो कि आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा और कुछ देखने को अगर आपको लगता है कि वाकई में यहाँ कुछ अच्छा मिलता है तो सबसे पहले कर दीजिए इसको लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हो सकता है आपने नहीं देखे हो। तो ये कॉम्बिनेट प्रो क्यूब सबसे बेस्ट है, ये क्यों लेना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बहुत डिटेलिंग करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कॉम्बिनेट पर क्या, अगर आपको पता नहीं कॉम्बिनेट क्या होता है तो मैंने उस पर एक वीडियो बना चुका था ऑलरेडी जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ टू रीड स्कीमेटिक डायग्राम और उसको एक्सप्लेन किया था लगभग 18 मिनट तक। तो ये आप इसको जरूर देखिएगा, स्कीमेटिक हो गया, बहुत सारे टूल पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और अभी जो चल रहा है जैसे लेटेस्ट आपने देखे होंगे वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो नोट 4 के ऑडियो सेक्शन हो गया, मीडियाटेक के चार्जिंग सेक्शन हो गया, BQ जिस पे मैंने बताया था, J7 की चार्जिंग लाइन हो गया, J7 की चार्जिंग IC की OBP बाईपास जो मैंने एक दो उससे अतिरिक्त भी मोबाइलों की बताई थी और रेडमी के वाइट लाइट का इन्फॉर्मेशन या DSL लाइन की कंप्लीट एक सेक्शन ट्रेसिंग में और उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे J6+ लाइट डिस्प्ले तो यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो पे जाइए, वीडियो को वॉच कीजिए और आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान। तो चलिए बात शुरू करते हैं कॉम्बिनेट प्रो भाई क्या है। आपको देखो इस तरह की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे और इस वेबसाइट से नीचे यहाँ पर आपको डाउनलोड का कॉम्बिनेट प्रो पे टिक करेंगे और जैसे ही आप टिक करेंगे आपको नीचे डाउनलोड हो जाएगा। बहुत कम और साइज का ये कॉम्बिनेट प्रो है, आप जब भी इसको डाउनलोड करेंगे तो मैं ये खास आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आपको लिख कर देगा कि दिस फाइल इज डेंजरस एंड सो क्रोम हैज ब्लॉक इट। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं, इसको बिल्कुल कीप डेंजरस फाइल कर देना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने कर दिया है और आप इसको डबल टिक करेंगे और डबल टिक करके ये ओपन हो जाएगा। बस आप अपना डिफेंडर जरूर ऑन कर देना, ऑफ कर देना, अगर आपका डिफेंडर ऑन रहेगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। मैं आपको चलो ये भी बता देता हूँ कि डिफेंडर कैसे ऑफ करें। आप अपने कंप्यूटर के ये सेटिंग में क्लिक कीजिएगा, मतलब ऑल सेटिंग इन्फॉर्मेशन के टैब में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऑल सेटिंग पे जाइएगा। ऑल सेटिंग पे जाने पर आपको यहाँ पे लिखना है डिफेंडर, ओनली डिफेंडर में DEFE लिख देना है, वेट करना, कुछ एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा वायरस एंड ट्रेड प्रोटेक्शन पे और जब इस पर आप चले आएंगे कुछ नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे आना है मैनेज सेटिंग में और मैनेज सेटिंग के बाद में आपको मेन चीज क्या देखनी है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन आपका ऑफ होना चाहिए। दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन है ये आपके जो रियल टाइम मतलब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ये उसको इंस्टॉल होने नहीं देता है, तो ये बिल्कुल आप इसको ऑफ कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए कॉम्बिनेट प्रो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एक बहुत छोटा साइज का ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको परचेस करें, क्यों करें, क्या करें और इसमें क्या है, तो सारे ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे जहाँ पे आप इस अगर यहाँ से आप व्हाट्सअप करके इसको खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा थोड़ा सा महंगा, बट अगर आप इस
YouTube चैनल को देखकर सब्सक्राइब करके आप जडेस मलिक को भेजते हैं तो आप इसमें जो भी आप देख रहे हैं उससे मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे दाम में। और अगर आप इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट की फोटो लीजिए और उसके साथ मलिक से आपको भेज दो और उसको इसके अलावा और अतिरिक्त आपको दाम में मिल जाएगा। क्या प्राइस है क्या नहीं है मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि दोस्तों मार्केट में प्राइस आने के बाद में कंपटीशन बढ़ जाता है तो मैं प्राइस नहीं बता रहा, पर इतना बता रहा हूँ कि इंडिया में उससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार जरूर जेडएक्स मलिक के पास जाइए और इस प्राइस को जरूर पूछिए, उसके बाद ही किसी और जगह से परचेस कीजिए क्योंकि आपको फायदा, मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आपको फायदा मिले। अच्छा, यहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। देखिए ये एक शुरुआती है, मतलब स्टेप है जो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो अपना सॉफ्टवेयर टूल आप ऑन नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर हमने आपके वीडियो देखे ये सॉफ्टवेयर लिया फिर हम इसको ऑन नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ये बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली आपको जो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन भरनी है उसके बाद में आपको यहाँ पर एंटर करना, बट यहाँ पर मांग रहा है वो आपको एक्टिवेशन की, तो उससे पहले आप मलिक साहब के पास जाइए और इसका एक्टिवेशन की मांगिए, की मांगिए। वो आपसे मांगेंगे एक हार्डवेयर आईडी जो कि इस टूल के साथ मिलेगी। सो बेसिकली बहुत इजी है ये, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट टूल पर। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ये है कुछ इस तरह का टूल, मैं इसको पूरा बंद करके दोस्तों फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो मैंने डाउनलोड किया था मैं उसी को क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये क्लिक हो गया है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि सी ड्राइव में चला जाता है, ये एक नॉर्मल सेटअप है। आप यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं, रन एनीवेयर जैसे आप करेंगे और ये यस करेंगे तो ये उसी समय खुल जाएगा। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आइकन बनकर आपके सामने आ जाएगा क्योंकि ये स्मॉल एक सेटअप है, ये सिर्फ हार्डवेयर आईडी से और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन चलता है। इसको चलाने के लिए आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेट करते हैं इसको खुलने के लिए, थोड़ा तो हो सकता है मेरा नेट थोड़ा स्लो इसलिए हो सकता है ये थोड़ा समय ले रहा हो। तो दोस्तों जब तक ये खुलेगा तब तक मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है एसर टेलीकॉम के बारे में तो आप एड्रेस में जाइए और लिखिए www.sirfacertelecom.info, आपको मेरी दो बुक के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये दोनों बुक परचेस करना है तो आप सिर्फ इसको क्लिक कर दीजिए और इसको परचेस कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मतलब हर बुक में हिंदी इंग्लिश आपको दोनों ही मिल जाएगी और बहुत सारा अच्छा इसमें अपडेट किया हुआ 2020 के साथ में। स्किप डिस्क करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन और कोर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ आप चाहें तो जाके पता कर सकते हैं कि हम बेसिकली क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं और क्या क्या चीज़ देते हैं। आप यहाँ पर जाकर हमारे वीडियो भी वॉच कर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये टूल आपके सामने ओपन हो चुका है। चलिए इस टूल पर काम करते हैं और देखते हैं कि इस टूल में आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों ये टूल है बिटमैप पर। बिटमैप क्या होता है आपको बताता हूं और मैंने इस पे काफी वीडियो भी बनाए थे, तो चलिए इस पर मैं आपको बिटमैप को क्लियर कर देता हूं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन कौन से मॉडल्स आपको मिलने वाले हैं। एक रेडमी उन्होंने डाल दिया है, रेडमी कुछ ये मॉडल है दोस्तों, और मैं सच बता दूं ये अपडेट वर्जन पे, मतलब ये अपडेट होगा तो ये अभी जो मेरे पास आया है ये बिल्कुल ये मानो ये सबसे लेटेस्ट है और अभी बहुत रेयरली होगा कि किसी और के पास इंडिया में गया होगा। तो इस पर जो मॉडल है वो धीरे धीरे अपडेट होने लगे हैं और अपडेट होते रहेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट 7 आपको नोट 8 के 30 या फिर के 20 प्रो ऐसे कुछ 6 है और रनिंग मॉडल आपको नोट 4 भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप ये सोच नहीं सकते कि यार ये नोट 4 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि एक बिट मैप में मिल रहा है, जो कि सबसे एक बड़ी बात हो गई है दोस्तों। क्योंकि अभी की डेट में देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा रनिंग मोबाइल आज भी है, कहीं ना कहीं डिस्प्ले का मसला हो। ये देखिए आपके सामने दे दिया यार, क्या बोले यार, इसमें सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले का मसला हो या किसी चीज़ का मसला हो तो सारी चीज़ इसमें यहाँ पर डाल के दी हुई है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ। सो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से मॉडल यहाँ देखने आप वाले हैं। तो ये एक रेडमी, एक यहाँ पे साउमी और रेडमी है एक ही, मतलब MI के दोनों ही मॉडल है तो देखा जाए तो इसको एक ही में डालना चाहिए, ठीक है चलो। और एक वीवो भी इन्होंने दे दिया और काफ़ी अच्छी सीरीज यहाँ पे दी हुई है और वीवो का Y90 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वीवो Y93 है यहाँ पर और कुछ वीवो के और भी मॉडल हैं। चलिए ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं और ये भी अपडेट होंगे। और सैमसंग इन्होंने दे दिया है काफ़ी यहाँ पर, सैमसंग के J सीरीज, S सीरीज है यहाँ पर, A सीरीज है, देखिए A10 A20 भी दिया हुआ है यहाँ पर, वेरी गुड। और यहाँ पर फिर IN और W सीरीज यहाँ पर दी हुई है, जो कि बहुत एक अभी आपको लग रहा होगा इतने कम मॉडल है पर ये बहुत बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जरूर परचेस करो क्योंकि दोस्तों ये इतना सिखा देगा कि आप घर बैठकर भी मोबाइल रिपेयरिंग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकल करने के लिए तो इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ेगा। सो ये बहुत अच्छा एक टूल है।
ओप्पो में देखेंगे तो ओप्पो में काफी मॉडल यहाँ पर है, ओके रेनो के और के सीरीज भी, या आर सीरीज में यहाँ पे दिया हुआ है, ए सीरीज, एफ सीरीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि मैं आपको डिटेलिंग करके बताऊंगा, इस वीडियो को बने रहिएगा। हुआवे के तो ऑलमोस्ट मुझे पता ही है, क्योंकि ये एक जिन्होंने बनाया है बेसिकली, वहां सिर्फ हुआवे और आईफोन के अलावा और कोई सेट ही नहीं आते हैं। तो हुआवे में आप देख रहे होंगे काफी अच्छे एक सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, नोवा सीरीज हो गई, पी सीरीज को हम बोल सकते हैं, और इसके बाद में अदर यहाँ पर कुछ मोबाइल भी दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग मोबाइल हैं जो हमारे कंट्री में भी आते हैं और ज्यादातर बाहर की कंट्री में ये ज्यादातर आते हैं। एप्पल में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर तीन चीजें डाली हुई हैं, आईफोन, आईफोन हार्डवेयर सोल्यूशन और आईपैड, जो कि कमाल की बात है। आईफोन में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ही रहा है भाई, 11 प्रो भी है, 11 प्रो मैक्स भी है। तो भाई एप्पल वालों ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आप जडेस वैल्यू वोजिंग जो और बहुत सारी चीजें चला रहे हो, बट ठीक है भाई ये भी चला लो, ये भी बेस्ट है, सरल है और जल्दी खुल जाएगा। इतना नहीं है कि वो खुलेगा और टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे खुल जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और बिट मैप है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आईफोन हार्डवेयर सोल्यूशंस में, तो ओह ये तो कमाल दे दिया है इन्होंने। एक मतलब अगर 6s प्लस है आपके पास और यूएसबी का मसला जा रहा है, तो दोस्तों देखते हैं कि ये क्या दे रहा है, क्या करें हम सर। एक 6 आया है और 6 प्लस आया है और यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा है, यूएसबी में मसले जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सो विल वेट टू सी व्हाट हैपन, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए खुल गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने खोला है 6s प्लस का यूएसबी का सोल्यूशन, और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ओहो सो यहाँ पे काफी चाइनीज में सोल्यूशन दिया हुआ है, जो कि बहुत आसान है। आप लोग सोच रहे होंगे चाइनीज में कैसे पढ़ें, यार आपके हाथ में है एंड्रॉइड और उसमें है एक ऐप जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, जो कि आपको ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए, जो कि आपको ये बहुत ईजी कर देगा। तो आईसी के जी आर दिए हुए हैं, क्या चाहिए इन्हें, आईसी के जी आर दे दिए हैं, U1 700 आईसी के जो जी आर हैं, साथ में यहाँ पे वोल्टेज भी डाल दिए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट पे आपको क्या क्या वोल्टेज चेक करना है, कमाल है मतलब। और एक सर्किट डाल दिया है कि भाई कैसे काम करता है यूएसबी, जिसको हम U2 IC बोलते हैं। तो बेसिकली एक कमाल की चीज है दोस्तों, क्योंकि iPhone 6 और 6 में U2 को बोलते हैं USB IC, उसके बाद जो टेस्टेड होता है वो उसकी चार्जिंग आईसी होती है। तो काफी अच्छा यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर आइए, बेसिकली जो मॉडल जो यहाँ पर है ये 6 प्लस का है, ओके तो ये 6 प्लस का डाला हुआ है इन्होंने। तो यार मुझे ये काफी अच्छा लगा है। जैसे और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6 प्लस का नो सर्विस भी दिया हुआ है, कि अगर 6 प्लस पे नो सर्विस आए तो क्या करना है। तो दोस्तों ये सिर्फ इतने सोल्यूशन पे नहीं टिकेगा, मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि जो इसके ऑनर हैं और मिस्टर विक्टर, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। और सच बताऊँ कि इस बार जो उन्होंने लाया है एक छोटा सा आपके लिए सिर्फ बिट मैप, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिट मैप क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं बिट मैप की। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं ओपन करता हूँ सैमसंग, और सैमसंग में मैं ओपन करता हूँ एक ऐसा मॉडल जो बहुत रनिंग मॉडल है, J7 Prime। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने है J7 Prime का एक बोर्ड। मैं आपको बता देता हूँ कि बिट मैप क्या होता है, यही समझाने के मैंने ये बोर्ड को ओपन किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बिट मैप क्या होता है, ये एक सर्किट का लेआउट के डिजाइन इस तरह से करते हैं कि जिसमें पैड से पैड की कनेक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जानना है इसका ये पैड कहाँ कनेक्टेड है, सो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे यहाँ बता एक चल रहा है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन, एक डायोड आईसी लगी हुई है, उसके साथ में यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ ये कनेक्टिविटी हुई है, उसके साथ अगर ये बताऊं कि यहाँ से जाते हुए ये कनेक्टिविटी आपको सीधे इस कंपोनेंट में कैपेसिटर पे मिलते हुए एक पावर आईसी पे जा रही है, तो ये आपको बताएगा बिट मैप। जी हाँ ये पूरा आपको बताएगा बिट मैप। तो बिट मैप के थ्रू आपको यही पता चलता है कि पैड से पैड की कनेक्टिविटी, कि कौन से पैड से किस पैड तक की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। देखिए नॉर्मल सर्किट डायग्राम तो आपको ये बता देगा कि सर्किट किस तरह से काम करता है, सर्किट में सप्लाइयाँ कौन सी आती हैं। इसको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए इसमें आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम है, और आप तो जानते ही हैं कि 7 पिन की चार्जिंग में ये सेकेंड पिन पे आपको इनपुट वोल्टेज वी बस मिलते हैं, जो कि +5 वोल्टेज मिलते हैं आफ्टर इंसर्ट योर चार्जिंग केबल। तो जैसे ही मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक इंटरनली सर्किट वायर जो कि किसी भी लेयर से होते हुए गई होगी, जिसमें यहाँ पर एक प्रोटेक्शन डायोड और 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो एक प्रोटेक्शन आईसी पर OBP IC पर आई है, जो जिसका नंबर U7009 है, और जिसपे ये इस पर B3 और
D2 पर आया है। सबसे अच्छी बात है कि नंबरिंग भी यहाँ पे की हुई है, तो काफी अच्छा है कि इसको सर्किट में पहचानना, इसको डीपली में जानना बहुत अच्छा एक हो जाएगा। अब क्यों इस पर किस तरह से काम करें भाई, इसको बाईपास किस करें, क्योंकि इसको देखकर तो आप बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इसका सोल्यूशन तो डाला नहीं है। वो सोल्यूशन मिलेगा एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, ऑनलाइन का कोर्स करके नहीं, बकायदा टीचर के सामने बैठ कर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप करके। खैर तो मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। इसका सोल्यूशन है A1 और A2। A1 और A2 के थ्रू ये इस कैपेसिटर से होते हुए ये यहाँ पर जाएगा इस कॉइल पे, और इस कॉइल से होते हुए इसकी IC पर। तो दोस्तों बहुत सरल सा है, आपको समझ में आ गया होगा बिट मैप क्या होता है। नॉर्मली जो हम PC का लेआउट देखते हैं वो सिर्फ लेआउट होता है, मतलब वो आपको ऐसा दिखाई देगा पर आप उसको टिक नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बकायदा उसको टिक कर सकते हो, जैसे आपने टिक किया तो वो आपको बता देगा कि किस कंपोनेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है सिर्फ एक सर्किट में, क्योंकि हो सकता है वो सीरीज कनेक्शन में जा रहा हो, तो फिर वो आपको अदर एक लेयर को तभी दिखाएगा जब तक आप उसके दूसरे भाग या दूसरे पैड को टच करेंगे या उसको क्लिक करेंगे, तब वो आपको बताएगा कि हाँ भाई ये कैपेसिटर इसके ये भाग से जुड़ा हुआ है और ये वाला पैड जो है इसके इस भाग से जुड़ा हुआ है। तो बिट मैप यहाँ पे क्लियर कर देता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे बिट मैप आपको देखने को मिलेंगे, J610, यहाँ पर J सीरीज के काफी बिट मैप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सैमसंग का S8 भी यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। बहुत सारे लोगों के बाद में सैमसंग मोबाइल आते हैं वो उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आपको सीखने का तरीका बदलना पड़ेगा। आज की डेट में सीखने पहला जैसा नहीं रहा है। 2015 या 2010 या उससे भी पहले की जब बात होती थी, नोकिया का टाइम बहुत आसान था क्योंकि उसमें एक जंपरिंग बुक और ये सब आती थी, तो आपने देखा कि एक कीपैड IC को निकालो और जंपर मार दिया। पर अभी सेम वही नोकिया का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास में सोल्यूशंस बहुत सारे हैं। तो ये होता है बिट मैप, जैसे कि आपने देखा ये जो नॉर्मल एक ये जो बूस्ट कॉइल, इसका एक सिरा यहाँ और इसका एक सिरा यहाँ कनेक्टेड है। सो देख दोस्तों सिंपल है, ये बिट मैप के साथ में आया है। तो इसके साथ और मैं देखता हूँ कि साउमी में कौन कौन से इसके मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। साउमी 8 भी काफी अच्छा है, यहाँ पर MI के यहाँ पे मॉडल है, रेडमी के मॉडल देखते हैं। चलिए देखते हैं रेडमी के नोट 4 में और रेडमी के नोट 8 में, देखिए नोट 7 और नोट 8 दोनों एक अलग है, कुछ अलग नहीं है, मतलब ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं है। चलिए नोट 8 में देखते हैं इसमें क्या इसमें आपको बिट मैप में दिखाई देगा। और दोस्तों ये काफी जब भी आप परचेस करने जाएं तो उसको ZX मलिक के थ्रू ही परचेस करें। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ZX मलिक, आप इस वेबसाइट पर इनकी फेसबुक की लिंक भी नीचे दे दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा और बाकी आपको यहाँ पे साइड में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि आप कहीं से भी परचेस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपको अच्छा और सस्ता खरीदना है ना तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब देखिए एक रेडमी नोट 8 है यहाँ पर दिया हुआ है, ओहो सारी चीजें यहाँ पे खोल के रख दी है। ये इसकी लाइट IC है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसकी लाइट IC बनाई थी, पर मेरे पास की लाइट IC मैंने इसको बना तो दी थी, पर क्योंकि कैपेसिटर इसका फिर से फूक गया तो उस वजह से लाइट IC में इसके बाद दूसरा डाला, तो ऑब्वियस है कि दैट टाइम मेरे पर नोट 8 का बोर्ड नहीं था और ये IC के प्रॉब्लम की वजह से IC नहीं बन पाई। हमने 6 लाख के IC के साथ उसको बाईपास किया था, लाइट तो आ गई थी पर वो रखने की जगह नहीं थी। बड़ा समस्या जाता है जब आपके पास प्रॉपर काम के लिए चीज ना हो, तो बोर्ड ना हो आपके पास, IC ना हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज लेना पूरा बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई क्या हम बाईपास कर सकते हैं। तो ये लाइट IC के बारे में बताया है, ग्राउंड यहाँ पे बता दी है, NC का कलर यहाँ पे दे दिया है, कुछ ब्लू कलर का NC का कलर है, ग्राउंड का कलर इन्होंने ग्रे कलर का डाल दिया है और ग्रीन इसके पैड डाल दिया। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि भाई हाँ ये लाइन प्लस की लाइन है, प्लस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज आपका GR इज व्हाट इज ग्राउंड रेजिस्टेंट। जब आप अपने मल्टीमीटर को कोल्ड टेस्टिंग पे करते हैं और किसी ग्राउंड के साथ जब कोई रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो वो आपका GR हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, ये आपका कैथोड 1 कैथोड 2 की लाइन जो कि आपको देखिए कहाँ जा रही है, सीधा इस कनेक्टर पे आपको जाती हुई दिखाई देगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर इधर से, क्योंकि ये आपका एक कॉइल लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको सीधे कनेक्टर पे जाते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी, आपने समझा होगा कि बिट मैप क्या होता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि बिट मैप को आपको समझा सकूं और कॉम्बिनेट प्रो में क्या नया आया है ये आपको बता सकूं, बाकी आप जब इसको परचेस करेंगे तो आप खुद ही इसको देख लेंगे। और अगर आपको इसको रीड करना नहीं आता है, आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं, तो आपको जरूरत है एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और सीखिए और उसके बाद काम कीजिए तो ही ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परचेस करें, और खास डिस्काउंट ZX मलिक की तरफ से एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट के लिए जो भी आप खरीद रहे हैं सबसे बेस्ट। और अगर आप ये वीडियो को देखकर
स्क्रीनशॉट देंगे सब्सक्राइब करने का, तो आपको मिलेगा और भी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग हार्ड एंड कीप हार्ड वर्किंग। साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने 1 से 2 से 1 ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने 4 बार किया, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया, वेरी गुड। इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उसमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है। यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चाहिए आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने। 3 बार, 2 बार, 2 बार नंबर बोलते रहो। 2 बार सर, 2 बार नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना। 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने 1 से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। 3 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.